जैसे एक बार एक व्यक्ति थे, वो अपने दांतों का ख्याल नहीं रखे, रोज ब्रश नहीं करते थे, नतवन नहीं, अब साफ नहीं करेंगे धीरे धीरे, क्या तो खाते थे, सुनते नहीं थे सही से, तो दांत जो हो गए 40 साल 45 साल में सब दांत कमजोर हो गए और एक एक करके गिर गए। अब उनके सब दांत क्या हो गए, गायब हो गए। तो वो नकली दांत लगवाया, क्या लगवाया, जब बचपन में बोला गया बच्चा बढ़िया दांत साफ करो, किया नहीं। अब क्या करते थे, रोज रात को दांत निकालते, पानी में डालते थे, बढ़िया से ब्रश करते थे आधा घंटा। जब बचपन में दांत बोला गया बेटा सही से साफ रखो, मुंह धो ले, और अब क्या कर रहा है, अब आधा आधा घंटा। हमारी स्थिति भी वैसी, हमें बहुमूल्य मनुष्य शरीर मिला है और बोला जाता बेटा भजन कर लो, भगवत भक्ति कर लो, हरि कथा सुन लो, होता नहीं है क्या है। एक व्यक्ति ऐसे ही थे, जब घर में हरि कथा होती तो गाली देते थे, पैसा कमाने में इतना व्यस्त, खूब पैसा कमाते थे, आते थे ऑफिस से 11 बजे रात को, कितने बजे आते थे रात को 11 बजे ऑफिस से आएंगे, और फिर बोलते थे खाना खा ले जल्दी सो जाइए, नहीं बोलते नहीं नहीं क्या सोना है, भोपाल में रहते थे, भोपाल नाम है ना एक शहर का, बड़ी कंपनी में काम करते थे, हजारों रुपया कमाते थे, लेकिन सोचते थे क्या हो गया, शरीर मेरा है जैसा चाहेंगे रहेंगे। तो सोते थे करीबन 1:30-2 बजे, कितने में सोते थे, तो यंग अवस्था में पैसा कमा रहे थे, गर्मी थी पूरी, और रात को कितना 1:30-2 बजे सोते थे, सब लोग बोलते जल्दी खा लिया, टीवी देखेंगे करेंगे, सोते नहीं थे। अब उनकी उम्र हो गई 65 साल, अब उनको क्या हो गया, कुछ दिनों पहले की बात है, 1 साल पहले की, उनको शरीर में बहुत सारे रोग हो गए, हार्ट अटैक टाइप का आ गया, तो मरने की अवस्था में थे। तो उनके समधी जो थे वो भक्त थे हमारे, तो फिर उन्होंने उनके लिए प्रार्थना करवाया हम लोग से, तब फिर जाके किसी पास बचे। अब जब बच गए तो अब उनको बुद्धि आया, अब क्या है भक्ति करना, कि माला हमको भी दीजिए, पहले कोई माला का माला करते हैं, क्या माला करते, समझ रहे, अब माला करना चाहते तो माला मंगवाए हमसे, क्या मंगवाए, कि हम कोई माला दीजिए,